फिलिप, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। मैं आयरन के घर जा रही हूँ, एक घंटे में आ जाऊंगी। गेट लॉस्ट। एटलीस्ट दिन में तो ड्रिंक मत करो। शट अप एंड गेट लॉस्ट। सूप टेबल पे रखा है, पी लेना। मोनिका फिलिप कैसा है? वो ठीक है ना? पता नहीं नताशा, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें नहीं चल रही थी। लेकिन उसे हुआ क्या? पीटर अंकल, जब मैं आयरिन के घर से वापस आई तब मैंने देखा कि फिलिप बेडरूम में नहीं था, बाथरूम भी अंदर से लॉक था। Philip, answer me. मैंने तुरंत आयरिन को कॉल किया, फिर वो उसका हस्बैंड फौरन मेरे घर आ गए। Philip, Philip, Philip. Richard, Philip जवाब नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे हॉस्पिटल ले आई। सॉरी मिसेस मोनिका गुंज, आपके हस्बैंड की डेथ हॉस्पिटल में आने के पहले ही हो चुकी थी। ऑल्दो हमने उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की, बट डेथ फिलिप की डेथ हो गई। जी हाँ, हार्ट अटैक की वजह से। बट नताशा कैसी हो? जॉर्ज, फिलिप की डेथ हो गई है। ही इज नो मोर। क्या? डेथ हो गई? कैसे? अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। मोनिका ने कहा कि फिलिप को बाथरूम में पड़ा हुआ देखा। जॉर्ज, हम अभी हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर ने कहा कि उसको हार्ट अटैक आया था। ठीक है, मैं गोवा के लिए निकलता हूँ, तुम अपना और मोनिका का ध्यान रखना। मैं आ रहा हूँ।
देखिए डॉक्टर, ये क्या है? स्ट्रेंज, जब आप लोग इसे हॉस्पिटल लाए थे तो ऐसा नहीं था। अब बॉडी का ये हिस्सा नीला पड़ रहा है। पर क्यों डॉक्टर, ये क्या है? वेल मिस्टर पीटर, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। अब ये क्या है, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। इट्स अ पुलिस केस। फिलिप गोम्स की मौत जाहिर तौर पर संदिग्ध थी। फिलिप गोम्स की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट, लेकिन ये कार्डियक अरेस्ट किसी चीज से दिलाया गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई थी कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं थी, ये सिर्फ एक कार्डियक अरेस्ट नहीं था। फिलिप गोम्स के कार्डियक अरेस्ट के पीछे का कारण कुछ और ही था। फिलिप को रिवाइव करने की कोशिशों के बाद हमने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। हम बॉडी को फैमिली को हैंडओवर करने की फॉर्मेलिटीज कर रहे थे, तभी फिलिप के अंकल पीटर फर्नांडिस ने ये देखा और बताया। बॉडी में बैरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले? यस, बैरामैक्सिन, और बैरामैक्सिन की वजह से ही हार्ट अटैक आया। बैरामैक्सिन कितनी मात्रा में यूज हुआ है उसका अंदाज बता सकते हैं? फिलहाल तो नहीं बता सकते। हाँ, बट हम एनालाइज कर रहे हैं, कल तक आपको पूरी डिटेल में रिपोर्ट मिल जाएगी। एक्चुअली मैंने सूप बोल आयरन के घर से आते ही धोने में डाल दिया था। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिलिप इस कंडीशन में मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। और जब मैं घर वापस आई तब मैंने देखा कि वो ड्राइंग रूम में नहीं है। सूप वाला बोल टेबल पर रखा था। उसने हमेशा की तरह सूप पीकर बोल टेबल पर छोड़ दिया था। मैंने बोल किचन सिंक में डाला और उसे देखने बेडरूम में गई, और पता चला फिलिप बाथरूम में है। वो ना दरवाज़ा खोल रहा था ना ही जवाब दे रहा था। बोल तो धो चुका है। दोपहर को मेड आई होगी, उसके पास घर के कीज रहते हैं। मोनिका, ये बैरामैक्सिन कहाँ से आया? पता नहीं, आई विश मुझे पता होता। मैडम, रूम्स में कहीं बैरामैक्सिन का पैकेट या और कुछ नहीं मिला? मैंने ही मोनिका को फोन करके अपने घर बुलाया था। हम लोग यहाँ से बाजू वाली लेन में ही रहते हैं। एक्चुअली आयरन की सिस्टर की वेडिंग प्लानिंग के लिए हमने मोनिका को बुलाया था। और मोनिका इवेंट प्लान करने में काफी अच्छी है, इसलिए उसे हेल्प करने के लिए बुलाया था। मोनिका के हस्बैंड फिलिप के बॉडी से बैरामैक्सिन के साथ अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले। फिलिप पिछले 3 सालों से काफी ड्रिंक करने लगा था, उसे किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा था। और ऐसा क्यों हुआ? डैड की डेथ से फिलिप बहुत दुखी हो गया था। हम तीनों भाई बहन में फिलिप डैड के सबसे ज्यादा क्लोज था। या आपके पिता अल्बर्ट गोम्स की डेथ 2007 में हुई थी? जी सर। डैड के जाने से फिलिप बहुत बुरी तरह टूट गया था सर। We were buried, therefore, with him by baptism into death, so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. But our commonwealth is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will change our lowly body to be like his glorious body by the power which enables him even to subject all things to himself. So do not fear. For I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Philip! Philip! Philip, please, darwaza kholo, Philip! 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 Philip, darwaza kholo, please! Philip! Philip, mama ke death ke dukh se hi nahi nikal paya tha. और उसके बाद डैड भी हमें छोड़ के चले गए। डैड के जाने का सदमा तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। आपकी मदर की डेथ कब हुई? 2005 में सर। मामा की डेथ के बाद तो पूरा घर हिल गया था। मामा हमारे घर की पिलर थी, स्ट्रेंथ थी, सारे डिसीजन वही लेते थे। For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons. मामा की डेथ से डैड पूरी तरह बिखर गए थे। वो इस सदमे से कभी रिकवर कर ही नहीं पाए। और फिलिप भी मॉम की डेथ से पूरी तरह टूट गया था। इनफैक्ट मॉम की डेथ के बाद वो बहुत दुख में रहने लगा।
Do not let your hearts be troubled. You believe in God. फिर डैड के डेथ के बाद फिलिप रात दिन ड्रिंक करने लगा. उसने हर काम हर चीज़ छोड़ दी. वो रात दिन सिर्फ ड्रिंक करता और मॉम डैड के ग्रेस में जाके रोता रहता. फिलिप, फिलिप, फिलिप घर चल, घर चल, प्लीज घर चल. मोनिका ने मुझे कितनी बार फोन करके बुलाया फिलिप का ध्यान रखने के लिए. मैंने भी फिलिप को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो समझता ही नहीं था. उसका दिमाग पूरी तरह अनस्टेबल हो गया था सर. हमें फिलिप के बॉडी में से बैरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले. क्या वो सुसाइड कर सकता है? आपके अंकल पीटर ने इस बात पर जोर दिया है कि यह नेचुरल डेथ नहीं है, जो कि सच निकला, क्योंकि बॉडी में से बैरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले हैं जो कि एक जहरीला केमिकल है. ऐसा कोई है जो आपके भाई को मारना चाहता है? Is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. For God so loved the world that he gave his one and only son. Sir, हमने एक नहीं बल्कि तीन बार पूरा गोम्स विला छान मार लिया, लेकिन कहीं भी बैरामैक्सिन तो क्या उसके कोई ट्रेसेस तक नहीं मिले. समझ नहीं आ रहा है कि उसको ये बैरामैक्सिन मिला कहां से. कहीं से तो आया होगा और उसने प्लान किया होगा सुसाइड करने. ये सुसाइड ही लग रहा है. फिलिप अपने माँ बाप की मौत से बहुत दुखी था, इतना कि उसका दिमाग भी स्टेबल नहीं था, और इसी हालत में उसे ये बैरामैक्सिन मिला और उसने सुसाइड किया. ये सबसे बड़ी गलती थी. इस केस को सुसाइड केस करार दिया गया और पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह से कत्ल का कोई भी सबूत या सुराग नहीं मिला. लेकिन फिलिप गोम्स के अंकल पीटर फर्नांडिस ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनका भांजा आत्महत्या कर सकता है. मैं अपने नेफी फिलिप को बहुत अच्छी तरह जानता था सर. हाँ, वो दुखी था, डिप्रेस था, लेकिन पूरे होश में था. जानता था कि क्या हो रहा था, वो क्या कर रहा था. और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता. मैंने बहुत टाइम बिताया उसके साथ सर. हाँ, मैं मानता हूँ कि वो ड्रिंक लिया करता था, उसे कोई रोक नहीं सकता था. लेकिन मैंने उसके साथ तब बात की है जब वो होश में होता था. सर, जब वो होश में होता था मैं उसे वॉक पे ले जाया करता था. हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया करते थे सर. उसकी माँ मारिया और उसके डैड अल्बर्ट, उनके हर डेथ एनिवर्सरी पे मैं उसके साथ हुआ करता हूँ. हाँ, ये बात सच है कि अल्बर्ट की डेथ के बाद उसके बिजनेस के सारे जिम्मेदारियां जो फिलिप को उठाने चाहिए थी वो मोनिका संभाल रही थी. लेकिन सर, मैं मोनिका की हेल्प के लिए वहां हमेशा मौजूद था. सर, मैं क्या फिलिप भी वहां मौजूद था? जैसा भी था लेकिन था, मौजूद था. सर, फिलिप कभी सुसाइड नहीं कर सकता था. आप चाहे तो मोनिका से पूछ लीजिए, वो उसका हस्बैंड था. वो अच्छी तरह जानती है कि फिलिप कभी सुसाइड नहीं कर सकता था. सर, मिस्टर फर्नांडिस, आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं इंस्पेक्टर विनोद तांबे से कह देता हूँ कि केस को री इन्वेस्टिगेट करें, पर मुझे नहीं लगता कि कोई नया सच सामने आने वाला है. देखिए, हमने अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए फिलिप की सारी जानकारी निकाली है, लेकिन कहीं से भी ये सामने नहीं आया कि फिलिप को ये बैरामैक्सिन मिला कहां से. यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिलिप ने जहर लिया ही नहीं है. हम सिर्फ इतना जानते हैं कि फिलिप सुसाइड कभी नहीं कर सकता. अगर नहीं कर सकता तो आप बताइए कौन कर सकता है, कौन मार सकता है उसे. मिस्टर पीटर फर्नांडिस, आप ही बताइए, आपके नेफ्यू फिलिप को कौन मारना चाहेगा? उसकी वाइफ मोनिका, हमने उसकी भी जानकारी निकाली है. मोनिका गोम्स अपने फैमिली का बिजनेस संभाल रही है और साथ ही साथ डिसेल्वा साइंस कॉलेज में पढ़ा रही है, उस पर भी नजर रखी पता करने के लिए. कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो मामला नहीं है? पर ऐसा भी कुछ नहीं मिला. आपके रिश्तेदारों से फिलिप की कजन पॉल डिमेलो और उसकी वाइफ रेचल, इनसे भी बात की. दोस्तों, दूर के रिश्तेदारों को तो छोड़ो, पर हमने फिलिप के भाई जॉर्ज और उसकी बहन नताशा, इनसे भी कई बार बात की है.
मोनिका और फिलिप के घर काम करने वाली मेड स्वाति, उससे भी पूछताछ की है। उस दिन दोपहर को मैंने घर में साफ सफाई की, चाबी तो मेरे पास ही थी तो मैं अंदर आ गई। मुझे नहीं पता था कि फिलिप साहब को हॉस्पिटल ले गए हैं या ऐसा कुछ हुआ है। स्वाति, तुम्हारी मोनिका मैडम सूप में कुछ मिला सकती है, क्योंकि उसने सूप सिर्फ फिलिप के लिए ही बनाया था। ये क्या बोल रहे हैं साहब, मोनिका मैडम ऐसा करेगी? पूरा घर का ख्याल तो वही रख रही है। जब फिलिप साहब की माँ मारिया मैडम बीमार हुई थी तो उनका पूरा ख्याल मोनिका मैडम ने ही तो रखा था। मारिया मैडम बिस्तर से हिल तक नहीं सकती थी तो मोनिका मैडम हर चीज उन्हें बिस्तर पे ले जाके देती थी। मारिया मैडम के गुजर जाने के बाद अल्बर्ट साहब एकदम टूट गए थे। उस टाइम भी मोनिका मैडम ने कितना ख्याल रखा था उनका। अल्बर्ट साहब को भी अपने हाथों से खाना खिलाती थी। फिलिप साहब का तो जैसे दिमाग ही हिल गया था, वो तो कुछ भी करते थे, फिर भी मोनिका मैडम सब कुछ बर्दाश्त करके उनका ध्यान रखती थी। फिलिप साहब से परेशान होकर मोनिका मैडम ने अपने दिल पर पत्थर रखा और अपने बेटे जेम्स को अपनी ननद नताशा के घर रहने भेज दिया। और आप कह रहे हैं कि मोनिका मैडम ऐसा कुछ करेगी? मोनिका ने खुद के लिए कोई खाना नहीं बनाया, सिर्फ फिलिप के लिए सूप बनाया। तुम्हारी मोनिका मैडम ने अपने पति से थक हार कर कुछ कर दिया होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मोनिका मैडम बहुत अच्छी है। आप चाहे तो आपके पंजे में पूछ लो। तो अब आप ही बताइए मिस्टर पीटर फर्नांडिस, दोबारा छानबीन करके ऐसा कौन सा सच सामने आने वाला है जो अब तक हमें नहीं पता? ऐसा कुछ नहीं है जिसपे शक किया जा सके। हमने मोनिका को भी 4 बार थाने बुला के 25 बार पूछताछ की है। आप जो चाहे कहें इंस्पेक्टर, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फिलिप सुसाइड नहीं कर सकता। आप बेशक ना माने, हम इस केस में जितना भी खो दे मिलेगा वही जो हमें मिलता आ रहा है। आपका भांजा फिलिप मानसिक संतुलन खो चुका था और उसने यह आत्महत्या करने का कदम उठाया। उसे खुद को भी पता नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है। जॉर्ज, फिलिप तुम्हारा भाई था और तुमसे ज्यादा मैंने उसके साथ वक्त बिताया है। मैंने उसे सफरिंग में देखा और मैंने उसे होश में भी देखा है, इसलिए मैं ये मान ही नहीं सकता कि उसने सुसाइड किया है। इनफैक्ट फिलिप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। पीटर अंकल, आप इस बात को और कितना खींचेंगे? वो जहाँ भी, उसे अब शांति से रहने दो ना। आप प्लीज फिलिप की डेथ का गिल्ट मत लीजिए, वरना हम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, फिलिप ने तुम्हें कभी कुछ बताया था कि वो ऐसा कुछ करने की सोच रहा है? पता था अंकल, मैक्सिमम टाइम तो वो नशे में रहता था, उससे बात करना इतना मुश्किल होता था। पीटर अंकल, आप प्लीज फिलिप की डेथ को लेकर परेशान मत होइए। वो अपनी लाइफ से बहुत मायूस था, थक गया था। वो डैड के डेथ के बाद तो वो पूरी तरह से टूट गया था, इतना कि उसने मोनिका, मैं वसीम जी से बात करूंगा, उनके ऊपर तक कनेक्शन है। तुम देखना, मैं पुलिस के ऊपर पूरी तरह प्रेशर डलवाऊंगा, लेकिन ये फिलिप का केस बंद होने नहीं दूंगा। तुम ही बताओ मोनिका, फिलिप खुदकुशी कैसे कर सकता है? मैं आपका दुख समझ सकती हूँ अंकल, मुझे भी इस बात का दुख है। मोनिका, वो तुम्हारा हस्बैंड था, तुम उसे अच्छी तरह जानती थी। तुम ही बताओ, क्या वो खुद को मार सकता है? अंकल, फिलिप अब जा चुका है, उसे गए हुए 6 महीने हो चुके हैं। मेरे लिए भी एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है, आपको भी सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। He is the rock, his works are perfect, and all his ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is he. In today's passage, Abraham. फिलिप गोम्स के अंकल पीटर फर्नांडिस ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि फिलिप गोम्स आत्महत्या कर सकता है, लेकिन पीटर फर्नांडिस की तमाम कोशिशों के बावजूद फिलिप गोम्स की मौत अब भी पुलिस के रिकॉर्ड में आत्महत्या के रूप में ही दर्ज थी, और फिलिप गोम्स की मौत को अब पूरे 2 साल बीत चुके थे। मोनिका, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, एक कप कॉफी मिल जाएगी? श्योर अंकल, मैं खुद कॉफी बनाने का सोच रही थी, अभी लेके आती हूँ।
प्लेजर अंकल। मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया हुआ है। एड्रेस है गोम्स विला 14 बार्डेज रोड। आप प्लीज जल्दी आइए। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मोनिका का फोन आया था। नहीं अभी एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने कहा कि शायद हार्ट अटैक है। ओह माय गॉड। मैंने पीटर अंकल को समझाने की इतनी कोशिश की कि फिलिप के केस को भूल जाए और खुद भी शांति से जिए, लेकिन वो माने ही नहीं। जॉर्ज जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाओ प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है नताशा, मैं आ रहा हूँ। I'm sorry, हम उन्हें बचा नहीं पाए, हार्ट अटैक था। सॉरी। For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all and no one is able to snatch them out of the Father's hand. When the perishable puts on the imperishable and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. मोनिका, आई फील तुम्हें और पॉल को शादी कर लेनी चाहिए। रेचल की डेथ के बाद वो एकदम अकेला हो चुका है और तुम भी तो इतने सालों से अकेली रह रही हो। The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Natasha, पॉल मेरा अच्छा फ्रेंड है। I know, वो एक अच्छा फ्रेंड है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लाइफ के खालीपन को भर सकते हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है मोनिका। लेकिन नताशा, पॉल रेचल का हस्बैंड था और रेचल मेरी अच्छी दोस्त। आई अंडरस्टैंड मोनिका,
लेकिन तुम रेचल को चीट नहीं कर रही हो, वो जा चुकी है। शादी करके ना ही तुम या पॉल कुछ गलत करोगे। सिर्फ फिलिप गोम्स की मौत पर आशंका जताई गई और यह आशंका जताने वाले फिलिप के अंकल पीटर फर्नांडिस की भी मौत हो चुकी थी। उसके बाद पॉल डिमेलो की बेटी जेनिफर की मौत होती है और उसके बाद ही पॉल की पत्नी रेचल डिमेलो की मौत। फिर पॉल की शादी मोनिका से हो जाती है। 5 सालों में 4 मौतें, फिलिप गोम्स, पीटर फर्नांडिस, जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो। जिस तरह से यह सबके सामने आया था, क्या यह सारी मौतें इतनी ही सामान्य थी? जो आशंका अब तक नहीं जताई गई थी वो 2 साल बाद उठने वाली थी। 2 साल बाद, साल 2019 में। जॉर्ज, तुम गोवा कब आए? 15 दिन पहले। 15 दिन और तुमने मुझे बताया नहीं? तुमने किसी से बात की? मोनिका से, पॉल से? जॉर्ज, जॉर्ज सब ठीक है ना? जॉर्ज, यार से समथिंग, यू आर स्केयरिंग मी। सब ठीक है ना? अच्छा, तुम्हें याद है 2007 में डैड की डेथ के बाद पीटर अंकल ने हमें डैड की विल के बारे में बताया था? अंकल, ऐसे कैसे हो सकता है? डैड विला, ऑर्चिड, काजू का बिजनेस सब फिलिप और मोनिका के नाम पे कैसे कर सकते हैं? जॉर्ज, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विल में तो कुछ ऐसा ही लिखा है। जॉर्ज, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे विल उनके रूम में उनके ड्रॉअर से मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उन्होंने विल कब बनवाए। तुम जानते थे ना कि डैड सब तुम्हारे नाम पे करने जा रहे हैं? डैड ने मेरे और नताशा के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। फिलिप, फिलिप, आई एम टॉकिंग टू यू। व्हाट डैड? हमको छोड़ के चले गए। मामा के जाने के बाद वो बहुत सफर करते रहे, मगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। अरे लेकिन डैड हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते ना। जॉर्ज, अंकल सी, मैं मानता हूँ कि जब डैड को मेरी जरूरत थी तब मैं यहाँ नहीं, लंदन में था, बट इसका मतलब ये नहीं तुम वहाँ पे थे। मैं तो हमेशा यहीं पे थी ना, उनके पास। हम जानते हैं कि मोनिका और फिलिप ने ध्यान रखा है डैड का, बट डैड डजंट मीन कि सब कुछ उनके ही नाम पे करते, हमें कुछ मिले ही नहीं। अंकल, यू टॉक टू फिलिप एंड मोनिका राइट नाउ। उन्हें भी पता जो उन्होंने किया वो सही नहीं है। जॉर्ज, अलबर्ट को गुजरे हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। तुम प्लीज। अंकल, दिस इज नॉट फेयर ना। और डैड जब ये वसीयत बना रहे थे, एटलीस्ट मोनिका कुछ बोलना चाहिए था ना कि वो सही नहीं कर रहे। नताशा, मोनिका को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे ये वसीयत अल्बर्ट के लॉकर में मिली। उसने खुद ने उठाकर ये मुझे दे दी। उसको खुद को ये सही नहीं लगा, इसलिए उसने मैटर उठाया नहीं और मुझे बात करने के लिए कहा। डैड इतने गलत नहीं हो सकते हैं। जॉर्ज, ये ऑलमोस्ट 12 साल पुरानी बात है और हम दोनों ने खुद अपनी मर्जी से सब कुछ मोनिका और फिलिप को दिया था ना। और तुम भूल रहे हो, मोनिका ने एक बार भी झगड़ा नहीं किया। इनफैक्ट उसने खुद कहा था कि सबका इक्वल राइट है। फिलिप तो कुछ बोलने या करने की कंडीशन में था नहीं। मोनिका ने खुद अकेले संभाला है। अच्छा, तुम याद करो, पीटर अंकल हमेशा यही कहते रहे कि फिलिप की डेथ सुसाइड नहीं थी, वो हमसे पुलिस से सबसे लड़ते रहे।
पर सबका क्या मतलब? नताशा, मैं एक दिन अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तब मैंने एक चीज नोटिस की जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। इन सब की डेथ का रीजन हार्ट अटैक है। So, फिलिप ने जहर खाया था, तुम्हें याद है ना, पुलिस केस बन गया था। अच्छा, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मम्मा की डेथ खाना खाने के बाद हुई थी। डैड ने जैसे ही कॉफी खत्म की वैसे ही उन्हें हार्ट अटैक आया। डैड, डैड, डैड क्या हो रहा है? डैड ब्रीद, डैड ब्रीद। मोनिका, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। डैड, फिलिप की डेथ सूप पीने के बाद हुई थी। पीटर अंकल को हार्ट अटैक कॉफी पीने के बाद आया था। तुम्हें ये सब सुन के कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नताशा, सोचो, इन सब की डेथ हार्ट अटैक से हुई है और इन सब ने मरने से पहले कुछ खाया या पिया था। अच्छा, तुम्हारा मतलब? नताशा, सिर्फ पीटर अंकल ही थे जो बार बार फिलिप की डेथ पर सवाल उठा रहे थे। एक वही थे जिन्होंने सबसे पहले फिलिप की बॉडी पर वो ब्लू मार्क देखा था। हमने मम्मा, डैड, पीटर अंकल, फिलिप, इन सब की डेथ के पीछे कुछ मिस किया है। इन सब की डेथ में एक चीज कॉमन थी, इन सब की डेथ कुछ खाने या पीने के बाद हुई थी। आप अपनी मदर मारिया गोम्स के डेथ की बात कर रहे हैं जो 14 साल पहले 2005 में हुई। उनके बाद 12 साल पहले आपके पिता एल्बर्ट गोम्स 2007 में, 2010 में 9 साल पहले आपके भाई फिलिप गोम्स, 7 साल पहले 2012 में आपके अंकल पीटर फर्नांडिस की डेथ हुई। सर, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लेट कंप्लेन लेकर आया हूँ, लेकिन मेरे अंकल पीटर फर्नांडिस ने भी उसी टाइम कंप्लेन की थी और बहुत कोशिश की थी कि फिलिप को जस्टिस मिले। जॉर्ज, मैंने फिलिप गोम्स की केस फाइल देखी, उसमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हुआ और यही सामने आया कि वो एक सुसाइड केस था। आई नो सर, पर जब से मैंने इन चार डेथ के बारे में सोचा तब से मुझे सीरियसली लग रहा है कि सुसाइड केस नहीं हो सकता। इतने सालों बाद अचानक आपको ऐसा क्या समझ आया कि आपने ये थ्योरी बना ली कि ये सारे डेथ नेचुरल नहीं थे? सर, पॉल डिमेलो, जो अब मोनिका का प्रेजेंट हस्बैंड है, उसकी शादी मोनिका के साथ 2 साल पहले हुई थी। तो सर, सबसे पहले तो पॉल की बेटी जेनिफर की डेथ होती है, उसके 1.5 साल बाद पॉल की वाइफ रेचल की भी डेथ हो जाती है। आपके कहने का मतलब है कि ये दोनों डेथ भी नेचुरल नहीं बल्कि मॉडर्न है? सर, जेनिफर की डेथ उसके 6th बर्थडे पार्टी में हुई थी। Happy birthday to you. Happy birthday dear Jennifer. Happy birthday. बाकी केसेस की तरह जेनिफर के केस में भी ये मिस हुआ कि मोनिका रेचल की हेल्प कर रही थी जेनिफर की बर्थडे पार्टी अरेंज करने में। सर, बच्चे स्नैक्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जेनिफर अचानक गिर जाती है और सांस नहीं ले पाती। जेनी! 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 क्या हुआ? बेटा! बेटा, प्लीज! जेनी! जेनी, प्लीज बेटा! क्या हुआ? जेनी, प्लीज! हेलो, एम्बुलेंस? सर, बाकियों की तरह भी जेनिफर को हॉस्पिटल पहुंचते ही डेड डिक्लेयर किया जाता है। और जेनिफर की माँ रेचल? सर, उसके बारे में भी यही पता चला था कि उसे भी अचानक हार्ट अटैक आया था। सर, मुझे रेचल के हार्ट अटैक का कारण तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब उसे हार्ट अटैक आया तब मोनिका उसके साथ थी। सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे डैड, मामा, पीटर अंकल, फिलिप, रेचल और जेनिफर में से किसी की भी डेथ नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। आपको शक है कि इन सभी की डेथ के पीछे आपकी भाभी मोनिका का हाथ? वैसा क्यों करी? सर, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी सचमुच बहुत डर लग रहा है।
सर मुझे नहीं लगता जिस तरीके से सारे केस नेचुरल डेथ में डिक्लेयर हुई है वो सही है। सर मेरे भाई फिलिप के केस में तो हार्ट अटैक के साथ पॉइजन भी मिला था और मेरे अंकल पीटर फर्नांडिस ने मुद्दा बार बार उठाया था। सर मुझे सीरियसली लगता है कि कुछ गड़बड़ है, वो सारी डेथ नेचुरल नहीं बल्कि मर्डर थे। मारिया गोम्स 2005, अल्बर्ट गोम्स 2007, फिलिप गोम्स 2010, पीटर फर्नांडिस 2012, जेनिफर डेमेलो 2013 एंड रेचल डेमेलो 2015। इन डेथ्स के बारे में हॉस्पिटल्स क्या कहता है? नेचुरल डेथ्स, जो हार्ट अटैक की वजह से हुए थे। जेनिफर की डेथ दम घुटने की वजह से हुई थी, ये सांस नहीं ले पा रही थी। फिलिप गोम्स, इसका केस थोड़ा अलग है सर। इसकी बॉडी नीली पड़ने लगी थी, पुलिस केस भी हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि इसकी बॉडी में बैरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले थे, इसी की वजह से इसे हार्ट अटैक आया था। बैरामैक्सिन इस्तेमाल हुआ था? पर सर इसके केस में आगे चलकर ये पता चला कि फिलिप ड्रिंक बहुत करता था, जिसकी वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, अनस्टेबल था, तो पॉसिबल है कि सुसाइड किया। अगर सुसाइड किया भी था तो बैरामैक्सिन कहां से मिला? इट इज इम्पॉसिबल टू गेट बैरामैक्सिन, इट्स अ हाईली रिस्ट्रिक्टेड केमिकल, राइट? राइट सर। प्रफुल, हमने बहुत जद्दोजहद की पर ट्रेस नहीं कर पाया कि फिलिप को ये बैरामैक्सिन मिला कहां से। हमारा एक इन्फॉर्मर है गणेश, उसने भी बहुत हाथ पैर मारे, कुछ पता नहीं चला। पर ये तो साबित हुआ होगा ना कि हार्ट अटैक बैरामैक्सिन की वजह से आया? हाँ डेफिनेटली, इसीलिए तो पता चला कि ये सुसाइड है। पर विनोद, ये साबित नहीं हुआ कि सुसाइड है। हाँ पर मर्डर भी कहाँ साबित हुआ है प्रफुल? और अब अचानक इतने साल बाद इसका भाई जॉर्ज आके कहता है कि फिलिप ही नहीं बल्कि सबका मर्डर हुआ है। मुझे तो लगता है इसे जायदाद में हिस्सा नहीं मिला होगा, इसलिए इतने साल बाद वो मोनिका पे भड़ास निकाल रहा है। फिर भी मैं गणेश को आपके पास भेज रहा हूँ, एक बार उसे भी बात करूँ। जॉर्ज, मुझे पॉल के फ्रेंड ने बताया कि तुम गोवा आए हुए हो। हाँ मोनिका, मैं कुछ काम के लिए आया हूँ। तो तुम घर आ जाते, होटल में रुकने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं, कुछ मीटिंग्स लाइंड अप थे ना, इसलिए मुझे होटल में रुकना पड़ा। नताशा ने भी मुझे नहीं बताया कि तुम गोवा आए हुए हो। जॉर्ज आ जाओ, तुम डिनर पे आ जाओ, मैं नताशा को भी बुला लेती हूँ, हम सब साथ में डिनर करते हैं, मैं तुम लोगों की पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ मोनिका, मैं डिनर पे नहीं आ पाऊंगा, कुछ मीटिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन घर तो आओ, डिनर पे नहीं तो कम से कम कॉफी पे आ जाओ। और तुम ऐसा अजनबी जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अरे घर आ जाते, हमारे साथ रहते। हाँ मैं आता हूँ, आऊंगा मैं। या जॉर्ज। हेलो नताशा, अगर मोनिका डिनर या कॉफी के लिए घर पे बुलाए तो तुम मत जाना, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? उसे पता चल गया कि मैं गोवा में हूँ और शायद उसे ये भी पता चल गया कि मैंने पुलिस से बात की। मुझे पता नहीं उसे कैसे पता चला, बट आई होप यू डिडंट टेल एनीथिंग। नहीं, मैंने तो नहीं बताया। उसका फोन आया था, वो पूछ रही थी कि क्या तुम गोवा में हो, मेरे घर पे रुके हो। मैंने कहा नहीं, तुम होटल में रुके हो। ठीक है, जो भी हो, अगर वो बुलाए तो मत जाना एंड डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग विद हर। ओके। साहब, विनोद साहब ने तो फिलिप के कॉल रिकॉर्ड भी निकाले थे ताकि ये पता चल सके कि सुसाइड करने के लिए बैरामैक्सिन लाया कहाँ से, पर कुछ मालूम नहीं हुआ साहब। उसकी बीबी मोनिका भी तो मर्डर कर सकती है, हो सकता है कि मोनिका बैरामैक्सिन लेकर आई हो ताकि देखने में मर्डर नहीं सुसाइड लगे। पर वो क्यों मारेगी, किसी से अफेयर के लिए? साहब फिलिप्स के नताशा ने खुद बताया कि मोनिका पूरे घर का ख्याल रखती थी, सबकी सेवा करती थी, और वो अंकल पीटर जो इतना राड़ा किया उसको भी मोनिका के ऊपर कहाँ डाउट था? ये पॉल तभी से होगा जिसके अभी मोनिका से शादी हुई। साहब कोई चक्कर नहीं था, मैं हर तरफ से खंगाला, मैं क्या साहब, विनोद साहब, शालिनी मैडम, इन सब ने हाथ पैर मारा पर कुछ नहीं मिला साहब। सुसाइड ही होंगे सर, जो लोग 14 साल पहले मर चुके हैं, जिन्हें दफनाया भी जा चुका, अचानक से जॉर्ज उठकर बोलता है कि सब मर्डर, इनका कोई निजी मामला होगा सर। सर मोनिका गोम्स फैमिली का बिजनेस संभालने के साथ साथ डिसिल्वा साइंस कॉलेज में पढ़ाती थी, और मैंने चेक किया है कि डिसिल्वा कॉलेज में केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। सर वहाँ केमिस्ट्री लैब में बैरामैक्सिन केमिकल एक तय मात्रा में एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होता है। गणेश, तूने ये पता किया था कि मोनिका लैब से तो केमिकल लेकर नहीं आई थी?
सब मैं कॉलेज तक पीछा किया था, खाली ये पता लगाने के लिए कोई चक्कर वक्कर है कि नहीं है। मकसद क्या था मर्डर का, अंदर जाके लैब से क्या कुछ लेके आई, ये मैंने चेक नहीं किया। सर हमें फिलिप गोम्स के केस से ही शुरू करना चाहिए क्योंकि उसी की बॉडी नीली पड़ी थी और बैरम एक्सिन के ट्रेसेस भी मिले थे। सर हमें ये इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर शुरू से शुरू करना चाहिए। और मोनिका गोम्स को संदिग्ध मान के चले? और किसी को मान भी नहीं सकते क्योंकि और किसी के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है। मैंने केस पढ़ा। सर फिलिप गोम्स सुबह से शराब पी रहा था, उसके बाद उसने दोपहर को वो सूप पिया जो मोनिका ने उसके लिए बनाया था और डाइनिंग टेबल पर रखा था। सर उसके बाद मोनिका और उसके पड़ोसी आइरीन एंड रिचर्ड ने फिलिप को उसके बाथरूम में बेहोश पाया और जब वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो सर उससे पहले ही फिलिप की डेथ हो चुकी। अब देखते हैं डिसिल्वा कॉलेज से क्या मिलता है। वैसे भी इन सारी डेथ्स को हमें एक बार शुरू से देखना होगा और कमिश्नर सर को रिपोर्ट भी देनी होगी। जो कड़ी जो सच पिछली बार पुलिस के सामने नहीं आ पाया था वो इस बार सामने आने वाला था। एक चौंकाने वाला सच कॉलेज की ओर से। इतनी सारी मौतें जिन्हें नेचुरल डेथ्स कहा गया था उनकी दोबारा से जांच शुरू होती है और वो भी 14 साल बाद। 14 साल बाद पुलिस एक बार फिर से तहकीकात की शुरुआत करती है सबसे पहली हुई मौत के साथ। मोनिका गोम्स जी, वो यहाँ केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। वैसे हमें पूरा यकीन है कि आपके कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में बैरामिक्सिन के एक्सपेरिमेंटल यूज के स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे और वो केमिकल बिना किसी की देखरेख के लैब से बाहर नहीं जा सकता। फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि मोनिका गोम्स की इस केमिकल बैरामिक्सिन पर पहुंच कितनी है। आप किस मोनिका गोम्स की बात कर रहे हैं? जी इनकी, पंजिम की मिसेज मोनिका गोम्स, 14 बार्डिक्स रोड पंजिम। देखिए हमारे यहाँ केमिस्ट्री में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कोर्स है, लेकिन ये लेडी मोनिका गोम्स पंजिम की है, जानता हूँ उसे, लेकिन ये हमारे कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है। क्या? नहीं सर, हमारे कॉलेज के स्टाफ में मोनिका गोम्स नाम की कोई लेडी नहीं है और ना ही ये लेडी किसी और नाम से यहाँ कोई और डिपार्टमेंट में काम करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मोनिका की सिस्टर ने नताशा से बात हुई है, उसने खुद मुझे बताया कि मोनिका यहाँ प्रोफेसर है। फैमिली बिजनेस के अलावा मोनिका डिसिल्वा साइंस कॉलेज में पढ़ाती है, 2004 से वो वहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रही है। नताशा जिस दिन फिलिप की डेथ हुई केस पेपर्स के हिसाब से उस दिन मोनिका अपने पड़ोसी आइरीन के घर थी, तो वो उस दिन कॉलेज नहीं गई थी। अब मुझे ऐसे याद नहीं है, शायद उस दिन उसका लेक्चर ना हो। आपको फिलिप या किसी और के केस में कुछ मिला है क्या? 2004 से यहाँ केमिस्ट्री की प्रोफेसर है। सर ये कैसे पॉसिबल है, 15 साल से यहाँ पढ़ाती है और हमें पता तक नहीं है। पक्का मोनिका यहाँ नहीं पढ़ाती है? इंस्पेक्टर 1998 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं अपने हर स्टाफ मेंबर को शक्ल और नाम दोनों से पहचानता हूँ। सर मैं इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकती। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें ऐसा लग रहा था कि बैरामिक्सिन कहां से आया है उसका सुराग हमें मिल गया है, लेकिन फिर पता चला कि आपकी सिस्टर इन लॉ मोनिका उस कॉलेज में पढ़ाती नहीं। सर आई स्वेयर टू गॉड वो वहां पे ही पढ़ा रही है, 2004 से वहां पे पढ़ा रही है। सर मेरी मोनिका से बात हुई, उसने बताया कि उसने कभी कहा ही नहीं कि वो डिसिल्वा कॉलेज में प्रोफेसर है। वो झूठ बोल रही है। मामा, डैड, एक गुड न्यूज है। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, डिसिल्वा कॉलेज में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की एक जॉब मिल गई है। कांग्रेचुलेशंस मोनिका, कांग्रेचुलेशंस। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस बेटा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वी शुड सेलिब्रेट। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस रात हमने उसके लिए केक भी काटा था। वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? आप जॉर्ज से पूछ लीजिए, उसको भी पता है कि मोनिका डिसिल्वा कॉलेज में पढ़ाती है। सर मुझे हमेशा लगा था कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है, पर अब जॉर्ज की तरह मुझे भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ जो पीटर अंकल को तभी खटकी थी, और अब ये बकवास कि मोनिका प्रोफेसर थी नहीं, वो डिसिल्वा कॉलेज में पढ़ाती ही नहीं थी। इतने सालों से वो इतना बड़ा झूठ बोलती आ रही है, जानती क्या थी वो? प्रफुल्ल, इतना बड़ा झूठ? यस सर, हमें लग रहा था कि हमें वो सोर्स मिल गया है जहां से बैरामिक्सिन आया था, लेकिन अब पता चला है कि मोनिका उस कॉलेज में ना तो टीचर थी ना स्टूडेंट थी। कहीं पहले की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस लीड को मिस तो नहीं कर दी? शायद ये बात उनके रडार पर हो ही ना। मोनिका ने अगर इतने सालों तक झूठ बोला है, कोई ना कोई तो कारण होगा इस झूठ का। पता लगाओ कि
क्यों वो 15 साल तक झूठ बोलती रही कि वो प्रोफेसर है? शायद फिलिप की मौत को लेकर उस वक्त पीटर फर्नांडिस ने जो सवाल उठाए थे और अब जॉर्ज जो कह रहा है, पॉसिबल है सर, शायद ये सभी डेथ्स नेचुरल ना हो, मर्डर्स। नताशा से जब बात हुई तो वो ठीक से बात नहीं कर रही थी, और जॉर्ज भी एकदम अजीब बिहेव कर रहा है। इतने दिनों से गोवा में है लेकिन एक बार भी घर नहीं आया, होटल में रह रहा। पॉल, मुझे लगता है कि उन्हें डिनर या कॉफी पर इनवाइट करना चाहिए। हम मिलकर बात करते हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी उनकी उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मोनिका, वो दोनों तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसीलिए तो बोल रही हूँ, उन्हें कॉफी या डिनर पर इन्वाइट करो, वो समझ जाएंगे। पॉल, सब ठीक हो जाएगा। मारिया गोम्स, एल्बर्ट गोम्स, फिलिप गोम्स, पीटर फर्नांडिस, जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो, आखिर क्या था इन 6 लोगों की मौत का सच? वो सच जिसे खोज निकालना पुलिस के लिए भी बेहद मुश्किल साबित हुआ था। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस इस केस की सच्चाई तक कैसे पहुंची? क्या ये सारी मौतें असल में हत्याएं थी? और अगर हाँ, तो इनके पीछे का मकसद क्या था? आज तक घटे सबसे मुश्किल केसेस में से एक माने जाने वाले इस केस की छानबीन हम देखेंगे इसके दूसरे भाग में। जय हिंद।